मथुरा के राया विकास खंड की सहकारी समिति पर क्रभको द्वारा एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में कृषि विशेषज्ञों ने उपस्थित किसानों को फसलों के अच्छे उत्पादन की तकनीकों के बारे में बताया। क्रभको एक ऐसी संस्था है जो समय समय पर किसानों को विभिन्न फसलों के बारे में कृषि विशेषज्ञों के माध्यम से जानकारी देती रहती है। इसी के तहत सहकारी समिति राया पर एक किसान सभा का आयोजन किया गया। क्रभको द्वारा इस सोसाइटी को गोद भी लिया गया है। इसी के चलते कृषि विशेषज्ञों ने क्षेत्र से आए हुए किसानों को फसलों के अच्छे उत्पादन की जानकारियां दी। इसके साथ ही किसान ऑर्गेनिक खेती की तरफ अपना लगाव बनाए रखें, इसे लेकर भी कृषि विशेषज्ञों ने सुझाव दिए। वर्तमान में गेहूं की फसल में मौसम के अनुकूल और विपरीत होने पर रासायनिक दवाओं उर्वरकों का किस तरह प्रयोग किया जाए, इसके बारे में भी कृषि विशेषज्ञ वाई के शर्मा द्वारा जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निदेशक मथुरा हमारे डीडी शोधिया सर, कृषि वैज्ञानिक जी शर्मा जी, सहायक आयुक्त मथुरा, सभापति सोसाइटी रमेश, हमारे जिला कृषि अधिकारी श्री यादव जी, इस बैंक के कॉर्पोरेट सोसाइटी के अध्यक्ष जी और बैंक की इसकी कॉर्पोरेट सोसाइटी की सचिव मैडम चाहर जी, क्रभको टिपको के प्रतिनिधि श्री सतवीर सिंह जी, बैंक के जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक अग्रवाल साहब और सभी आदरणीय किसान भाइयों श्री हाकिम सिंह जी, मैं उनको अक्सर करके बड़ी बड़ी मीटिंगों में देखा करता हूँ, एपीसी की मीटिंग में अक्सर करके आप जाते हैं, आपको शायद ही सभी हम सब लोग किसान या अधिकारी वर्ग सभी जानता है, आपको परिचित है आपको। मैं सबका क्रभको की तरफ से अपनी तरफ से आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमने पिछले एक महीने पहले ही हमारे यहाँ पर प्रबंध निदेशक महोदय आए हुए थे, तो इस सोसाइटी को देखा तो उन्होंने हमें आदेशित किया इस सोसाइटी को अडॉप्ट किया जाए, तो इसकी सोसाइटी की फेस पेंटिंग कराएगी और सोसाइटी का कुछ फर्नीचर आज के दिन उपलब्ध कराया जाता है। मैं किसान भाइयों से इस गोष्ठी के माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आज से 40-45 साल पहले हम किसानों से कहते थे कि खाद लगाइए, क्यों पहले किसान खाद नहीं लगाते थे। जब देश आजाद हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी, तो हम सब कृषि वैज्ञानिकों का प्रयास हुआ कि हमें जो है हम उत्पादन जो हाइब्रिड वैरायटी है उनका उत्पादन तभी हो सकता है जब हम रासायनिक खादों का उपयोग करें। लेकिन अब किसान जब रासायनिक खादों का प्रयोग भरपूर मात्रा में करने लगा और उसने जो है जो संतुलित उर्वरक की बात करते थे, आप पूरा आज असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग कर रहा है। कृषि वैज्ञानिकों की बात को उसने एकदम नकार दिया है और आज की पोजिशन ये हो चुकी है कि जहाँ एक हेक्टेयर आलू में जहाँ 3.5 बोरी DAP लग रही है, वहाँ 12 बोरी DAP लगा रहा है, इतनी ही यूरिया लगा रहा है, वो किसान किसी की सुनने को तैयार नहीं है। जबकि रासायनिक जब DAP की कीमत 1450 हो चुकी है, मैं 2 महीने पहले यहाँ सेवा के राय पर बैठा हुआ था, मैंने किसानों से बात की कि DAP जो है 1450 हो गई है, फिर भी आपने कम नहीं की डालते, तो किसानों की बुरा मन है, साहब 2000 हो जाएगी तबीयत भी डालेंगे। तो किसान इतना उस पर उतारू हो चुका है, किसी भी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं। आपका जो जीवांश है और कार्बन है 0.2 आ चुका है 0.8 से। अभी मैं एक मेंटरी मीटिंग में था तो वहाँ के जिला कृषि अधिकारी महोदय बता रहे थे, तो वहाँ से 2 से भी नीचे आ गया। मीटिंग रखी गई है, हमारे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक कृषि विभाग इस बात पर लगा हुआ है कि हम यूरिया DAP के प्रयोग को कम करें और हम जो है जैविक खादों का प्रयोग करें, गोबर की खाद का प्रयोग करें, लेकिन हमारा किसान भाई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। फर्नीचर दिया है, अरे अभी तो हमें यहाँ पे जो कुर्ता वाले दिखाई दे रहे हैं, जिसके माध्यम से प्रशासन के शोध के कृषि विभाग के और संस्थान जो है सारे अधिकारी सोचना पड़ेगा, सभी जो है क्योंकि हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है सहकारी समितियों पर और हमारा क्रिप्टो का एक सेवा केंद्र राया में, इसके माध्यम से हम उर्वरक आपूर्ति है तो काला बाजार नहीं हो पाती, क्योंकि ये सहकारी समितियां सही रेट से बेचती है, माना है तो हम लोग आपूर्ति कर रहे हैं यहाँ समय से, समय से दान देख रहे हैं आपको गाजर मटर समय समय पर इसको आवश्यकता होगी तो आगे जैसे माध्यम से एक ही मुख्य कारण है